बिटवीन कॉन्डेलाइड और क्रोनाइड प्रोसेस एक डिप्रेशन है जिसको हम कहते हैं मैंडिबुलर नॉच अब यहीं से सारी जो डायग्राम बनी हुई है ना इसी से देख हम आगे काम कर रहे हैं रेमस हैज़ टू बॉर्डर्स एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर रेमस के दो बॉर्डर्स हैं हमने देखा कि आगे वाला एंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर फिर एक है हमारे पास ओब्लिक लाइन ओब्लिक रेजर उठा हुआ पार्ट थोड़ा सा ना ये वाले जो पार्ट नजर आएगा ये फिर है डायरेक्टेड फ्रॉम रेमस टू बॉडी ऑफ मैंडबल फिर है चेन चिन एरिया ऑफ मैडेबल इज कॉल्ड मैंडम जो मैंटबल का चिन एरिया होता है उसको हम मैंटम कहते हैं और मैटम का वो पार्ट जो प्रोट्यूडेड है उसको हम कहते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस हमने पढ़ा था कि प्रोट्यूबरेंस किसे कहते हैं किसी उभार वाली जगह को मतलब थोड़ी सी उठी हुई हो तो मैंटम मतलब चिन और चिन का जो थोड़ा सा उठा हुआ सा पार्ट हो गया उसको हम कहते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस और मैंटम में एक फॉरामन होता है जिसको हम कहते हैं मेंटल फॉरेमन मैंडम हैज़ सम माइनीूट एलिवेशन मेंटल ट्यूबरकल्स और मैंडम में कुछ माइनीूट सी छोटी छोटी सी एलिवेशन होते हैं जिसको हम कहते हैं मेंटल ट्यूबरकल्स जो कि इतने ज़्यादा वाज तौर पर नहीं नजर आती हैं अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया एक हो गया कॉन्डोलाइट प्रोसेस एक हो गया टेरेक्वाइट फोसा मतलब कि बीच में गड्ढा टाइप का बन रहा है सही है कॉन्डोलाइट प्रोसेस हैज़ अ बल्बस हैड एंड अ कंस्ट्रक्टेड नैक जो कॉन्डोलट प्रोसेस होता है ना उसके क्या होते हैं एक हैड होता है और एक नैक होता है ये जो हमने पढ़ा ना कॉन्डोलाइट प्रोसेस तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा हेड और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा ये वाली जगह नेक अब है हमारे पास के एंटीरियर सरफेस ऑफ नेक है डिप्रेशन कॉल टेरेकॉइट फोसा और जो नेक के एंटीरियर सरफेस है उस पर एक डिप्रेशन सी होती है मतलब एक गड्ढा टाइप का बना हुआ तो उसको हम कहते हैं टेरेकोइट फोसा ये हो गया ले, लेटरल व्यू मैंडिबल का अब आ मीडियल व्यू पे मैंडिबल के तो जो बाहर से नहीं दिख रहा अंदर से दिखेगा वो हमारे पास मतलब के मीडियल व्यू है ना अब देखो ये हमारे पास पूरे मैंडिबल पड़ी हुई है हमारे पास एल्बुलर वो है आर्च अब यहाँ पर हमारे पास क्या है ऑन मीडियल साइड अ बोनी प्रोजेक्शन कौन लिंगुला प्रेजेंट ऑन रेमस क्या है हमारे पास एक मीडियल साइड के ऊपर एक बोनी प्रोजेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं लिंगुला ये रे सही है इमिजिएटली बिसाइड लिंगुला मैंडिबुलर फॉरमिन इज प्रेजेंट और फॉर लिंगुला के नीचे क्या होगा हमारे पास मैंडिबुलर फॉरमन प्रेजेंट होगा दो फोसाज होते हैं एक सब मैंडिबुलर फोसा और एक सब लिंग फोसा सब लिंगल क्या है ऊपर के साइड पर होगा और सब मैंडिबुलर कहाँ पर होगा नीचे के साइड पर बिटवीन सब लिंग एंड सब मैंडिबुलर फोसा लाइन इज प्रेजेंट कॉल्ड माइलोहाइड लाइन और सब मैडिबुलर और सब लिंगल फोसा के नीचे हमारे पास एक लाइन होगी जिसको हम कहते हैं माइलोहाइड लाइन पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ मेंटाई हैज फोर कॉल्ड सुपीरियर इन्फीरियर जीनल टिपरकल ये बात बाद में देखते हैं बेस ऑफ द मैंडिबल के इंफीरियर बॉर्डर पर डायगेस्टिक फोसा और जो मैंडबल की जो बेस है ना हमें जो पीछे पड़ी थी एक नीची यूँ टाइप की लाइन थी बेस ऑफ मैडिबल उसके इंफीरियर बॉर्डर पर हमारे पास होता है फोसा जो कि मीडियल व्यू ऑफ़ मैंडिबल